प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के परीक्षाओं के परिणाम प्राप्त हो चुके हैं। कुछ लोग सफल हुए हैं, कुछ असफल भी हुए हैं। जो सफल हुए हैं उन्हें शिकायत होगी किसी विषय में कम नंबर क्यों आए, हमने तो तैयारी इतनी अच्छी की थी। तो इन सब पर अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आगे क्या करना है इस बारे में सोचना है। इस पर चिंतन और मनन करने में अपना समय व्यर्थ बर्बाद ना करें, आगे क्या करना है इसके बारे में विचार करें। दूसरे वर्ग में वे विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है, उनके पास बचाव के कई उपकरण हैं। जैसे टीचर ने पढ़ाया नहीं, हमें जो पढ़ाया वो पेपर में आया नहीं, इस तरह के बहाने करके वो सेटिस्फाइड हैं और संतुष्ट हैं। अपनी जो भी कमियां हैं वो दूसरे के ऊपर डाल करके निश्चिंत हो गए हैं, आगे पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे ये उनकी मर्जी है। खैर, जो लोग सफल हुए हैं उन्हें आगे क्या करना है, तो सबसे पहले जो हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए चार मेन स्ट्रीम हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। साइंस में आप बायो और मैथ भी सम्मिलित कर सकते हैं अलग अलग। हमें अपनी रुचि के अनुसार चयन करना है, कोई हमें क्या सलाह दे रहा इस पर विचार नहीं करना है। हमारी जिस सब्जेक्ट में रुचि है हमें उसी सब्जेक्ट को आगे हायर सेकेंडरी के लिए चयन करना है। इस प्रकार जब हम अपने मन का विषय लेंगे तो निश्चित ही हमारा मन भी लगेगा और हमें उसमें आगे बढ़ने में सुविधा भी रहेगी। इस प्रकार दूसरों की सलाह पर नहीं, अपनी मर्जी से, ये कोई आवश्यक नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि कॉमर्स में कुछ भविष्य नहीं है, आर्ट्स में कोई नहीं है, सब विषयों का अपना अपना महत्व है, विशेष योग्यता होना आवश्यक है। हर विषय के विशेषज्ञ होते हैं और हर विषय की उतनी ही उपयोगिता है जितनी मैथ्स और बायो की है। इसलिए इस भ्रम को आप निकाल दें कि कौन छोटा सब्जेक्ट है, कौन अच्छा सब्जेक्ट है, कौन बुरा सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं और यदि हमारी उसमें रुचि नहीं है तो सारे सब्जेक्ट बुरे भी हो सकते हैं। तो अपनी रुचि के अनुसार चयन करें। अब इस प्रकार अब आते हैं हम लोग हायर सेकेंडरी पर। हाई स्कूल में हमारे सामने च्वाइस हैं चार। इस प्रकार जैसे रोड साइड स्टेशन पर ट्रैक होते हैं, दो अप टाउन अप के ट्रैक होते हैं, दो डाउन के ट्रैक होते हैं, इस प्रकार चार लाइनें हैं बस, और उन्हीं में से च्वाइस करना। लेकिन हायर सेकेंडरी के बाद किसी बड़े जंक्शन की तरह ट्रैकों का पूरा जंजाल है और इतना जाल फैला हुआ है कि हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। तो ऐसा तो नहीं हो, आपने किसी रेलवे के जंक्शन पर देखा होगा लाइनों का जो रेलवे ट्रैक है उसका जाल जैसा बिछा रहता है, समझ में नहीं आता कहाँ जाएगी, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। 60-60, 70-70 लाइनें हैं वहाँ, लेकिन ट्रेनें चलती हैं, सही सही ट्रैक पर चलती हैं। उसी प्रकार हमें अपने कैरियर के बारे में च्वाइस करना है। इस बात को नहीं देखना है कि बहुत सारी स्ट्रीम है, हम कहाँ जाएं, हमारी जिसमें दिलचस्पी है और जिस पर हमारी गाड़ी सरपट भाग सकती है उसमें हमें रुचि लेना चाहिए और वही हमें चुनना चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएशन ही नहीं, बहुत सारी प्रोफेशनल, वोकेशनल और टेक्निकल
जो फैसिलिटीज हैं यानी जो कोर्स हैं वो हम लोगों के सामने हैं। आज युग बदल चुका है, हर क्षेत्र में प्रोफेशनल्स मिलते हैं और केवल हमें एजुकेशन इस आधार पर प्राप्त नहीं करना है कि केवल गवर्नमेंट जॉब ही प्राप्त होगा। आज प्राइवेट कंपनीज भी अच्छे अच्छे पैकेज दे रही हैं, लेकिन उसके लिए शर्त इतनी ही है कि हम जिस भी प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट करके जाएं, उसमें हमें हम उसमें योग्यता हासिल कर चुके हों, तभी प्राइवेट कंपनीज हमें बड़े से बड़ा पैकेज देती हैं। तमाम स्ट्रीम हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे साइंस के लिए मेडिकल सेक्टर है और आपका डॉक्टरी सेक्टर है, कॉमर्स के लिए आपका अकाउंट्स का है, चार्टेड अकाउंट्स अकाउंटेंट्स हैं, या बिजनेस एडवाइज़र हैं, या आपके टूरिज्म सेक्टर है, होटल मैनेजमेंट है, इस तरह से कॉमर्स वालों के, आर्ट्स वालों के लिए भी चित्रकला नृत्यकला इस तरह के तमाम प्रोफेशनल हैं, इस उनको भी चूज किया जा सकता है और उन पर उनमें महारत हासिल की जा सकती है और उनको अपना कैरियर उनमें अपना कैरियर बनाया जा सकता है। मैं आप लोगों को केवल यही सलाह दूंगा कि जिस सेक्टर में आपकी रुचि है, जिसमें आप अपने आप को परफेक्ट पाते हैं, उसी में आप जाइए। स्वाभाविक बात है, जब रुचि होगी तो मन भी लगेगा और आगे भी बढ़ोगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ सफलता के लिए और आगे की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।